छूते हुए निकली है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सबसे बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। देवबंद इलाके में आजाद पर हमला हुआ है, कार सवार बदमाशों ने दागी हैं गोलियां, चंद्रशेखर के पेट से छूकर निकली गोली। देवबंद इलाके में बदमाशों ने यह हमला किया है, बड़ी खबर इस वक्त की। चंद्रशेखर को गोली छूते हुए निकली है, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ है, कार सवार बदमाशों ने गोलियां दागी हैं, यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। चंद्रशेखर के पेट से छूकर गोली निकली है। सहारनपुर जिले के देवबंद इलाके में यह चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ है, तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। सहारनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, देवबंद इलाके में चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ है। और देवेश त्यागी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। देवेश, कब की घटना है, क्या निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, आपको बताना चाहूंगा, आज दोपहर चंद्रशेखर रमन वहां किसी गांव में, देवबंद के किसी गांव में पैरवी में गए हुए थे, उसी दौरान उन पर हमला हुआ है। उनके पेट को छूती हुई गोली निकली है, उनकी गाड़ी में भी गोली के निशान है और उनको फिलहाल हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया है और आला अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं। जी, फिलहाल क्या बताया जा रहा है पुलिस के द्वारा, कौन वो लोग थे, क्या कोई तस्वीर उनकी सामने आई है, क्या परिचित लोग थे, क्या किस तरह का मामला है? जी, हमने इस सिलसिले में जब पुलिस अधिकारी से बात की तो उनका कहना है कि अभी मौके पर अधिकारी पहुंचते हैं, पता लगा रहे हैं किस परिस्थिति में गोली चली है, कैसे गोली लगी है और चंद्रशेखर फिलहाल खतरे से बाहर हैं। देवेश, जिस जगह आप बता रहे हैं कि कार्यक्रम में वहां पर गए हुए थे, क्या किसी तरह के विवाद की कोई खबर आ रही है, वहां पर किसी तरह का विवाद हुआ है या कुछ लोग घात लगाकर पहले से वहां पर मौजूद थे? देखिए, पूरी जानकारी अभी इकट्ठी करी जा रही है, जैसे ही पूरी जानकारी मिलती है तब सही बात बताई जाएगी, लेकिन जो पता लगा है, जो प्रारंभिक सूचना है उसके अनुसार जो है वो तेरहवीं में गए थे, तभी कहीं राउंड गोलियां चली हैं, उसी में एक गोली लगी है, वो तुरंत जो है गाड़ी में बैठकर निकले हैं, गाड़ी में भी गोली लगी हुई है, ये बातें कन्फर्म है। देवेश, बताया जा रहा है कि कार सवार बदमाशों ने वहां पर गोलियां चलाई हैं, तो क्या अभी तक कोई चेकिंग अभियान, कोई ट्रेस किया जा रहा है, कौन सी कार है, कहां वो निकली है, कुछ पता लगाने की कोशिश कर रही है पुलिस? जी, मैं आपको बता दूं, वहां पे जो आला अधिकारी हैं, एसपी आ रहे हैं और अन्य फोर्स हैं, लगातार जो है वहां गांव में भी पहुंच गई है और उसके अलावा जो है जो हॉस्पिटल में जहां चंद्रशेखर को भर्ती गया है वहां पे उनसे पूरी जानकारी। देवेश, मैं रोकूंगा, इस वक्त तस्वीरें हमारे पास आ गई, न्यूज 18 सबसे पहले दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहा है इस वक्त, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये गाड़ी और चंद्रशेखर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। देवबंद इलाके में चंद्रशेखर पर हमला हुआ है, गाड़ी में भी देखिए गोली लगी है, ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और चंद्रशेखर रावण को जो गोली लगी है वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। देवबंद इलाके में चंद्रशेखर पर हमला हुआ है, ये बड़ी खबर इस वक्त की, चंद्रशेखर पर जानलेवा हमला हुआ है, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से गाड़ी पर हमला हुआ, हरियाणा नंबर की गाड़ी से हमलावर आए थे, फिलहाल ये जानकारी यहां पर निकलकर सामने आ रही है, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ है, कौन हमलावर थे फिलहाल ये अभी नहीं पता चल पा रहा है, लेकिन हरियाणा नंबर की गाड़ी से आए थे, चंद्रशेखर के पेट से छूकर गोली निकली है, ये जानकारी फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। देवबंद इलाके में ये चंद्रशेखर पर हमला हुआ है, फिलहाल सहारनपुर पुलिस के अधिकारी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं, एसपी स्तर के अधिकारी पूरे मामले में लगातार नजर बनाए हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 इस वक्त बता रहा है, कार सवार बदमाशों ने गोलियां दागी हैं, कौन ये लोग थे, कहां से आए थे, क्या मकसद था, ये फिलहाल अभी तक साफ नहीं हो पा रहा है।